डीजल पेट्रोल के भाव कहाँ आसमान छू रहे, महंगाई की आप बात करते हैं। ईंधन महंगा, खाना महंगा, ट्रैवल महंगा, पढ़ाई महंगी, आवास बनाना महंगा, आम जीवन महंगा, रोजगार बंद, रोजगार आपका बंद, महंगाई बुलंद। और फिर क्या, तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, ये पहेली पूजाते हैं। किसान, मैं आपको आतंकवादी और खालिस्तानी नजर आती हूँ, मैं आपको आंदोलनजीवी नजर आती हूँ। और सुनिए, खूब पढ़ने के बाद भी अगर आप बेरोजगार हैं, खूब पढ़ने के बाद भी अगर बेरोजगार हैं, तो शुभकामनाएं दें मोदी सरकार को, ये उनका चमत्कार है। चलिए, इनका बजट जो था उसमें खपत, निजी निर्यात सारी चीजें ठप पड़ी हैं। मंदी से निकलने के लिए इनके पास में कोई रोड मैप नहीं था। एमएसएमई पीस पे इन्होंने कुछ नहीं कहा, डिफेंस के ऊपर इन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे कि चाइना तो अब है ना हमारी सरजमीन पे है ही नहीं, इसलिए डिफेंस के लिए आप कुछ बोले ही नहीं। और आपका जो ये बजट था उसमें जो करना था उसके अंदर कोई आपका विजन नहीं था, कोई आपका रोड मैप नहीं था। और 2016 का जो मिस्टर जेटली का बजट है, दैट स्टिल कंटिन्यूज टू बी द गोल्ड स्टैंडर्ड बजट। आप कुछ नहीं कर पाए, चाहे आत्मनिर्भर का पैकेज लेकर आए हो, आप विफल रहे। और पैंडेमिक के अंदर जो इकोनॉमिक फोस्टर करने के लिए ज़रूरत थी वो नहीं कर पाए, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी आप छू नहीं पाएंगे। और मुझे 5 मिनट दीजिए, इन्होंने बात करी नोटबंदी की, रातों रात ये नोटबंदी लेके आए, इनका चुनावी वादा था हम काला धन वापस लेकर आएंगे, अर्थव्यवस्था का आपने भट्टा बिठा दिया और कोई काले उद्देश्य आपके पूरे उद्देश्यों से पूरे नहीं हुए, कोई काला धन वापस नहीं आया, 15 लाख रुपए आज तक आपके वापस नहीं आए। GST जिसका आप विरोध करते थे, गुजरात और बीजेपी कभी इसका फेवर नहीं करेगी, पहले सत्ता से पहले GST में हानि, सत्ता पाकर GST में तरक्की की निशानी, और आप फ्लॉट GST लेके आए जिससे आपकी रेवेन्यू रिसीट सारी की सारी नीचे है। मनरेगा जिसे आप कहते थे कांग्रेस की नाकामी का जीता जाता स्मारक है, वही मनरेगा है जिसने आज लॉकडाउन के अंदर रोजगार देने का काम किया। आप 100 से 200 दिन की आपने करी नहीं, आपके आंकड़ों में मनरेगा गुणगान गाते हैं, भाषणों में गरीब का मजाक उड़ाते हैं। बहुत बात करते थे रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, अब आपके टाइम में ऐतिहासिक तरीके से रुपया गिरा, लेकिन कोई बात नहीं। आप दलितों का दमन, आजकल बहुत यहाँ पर चर्चा होती है इस हाउस के अंदर दलितों के दमन के अंदर, रोहित वेमुला वॉज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मर्डर, मेनी मस्ट हैव डाइड बिफोर हिम एंड आफ्टर हिम, बट रोहित वेमुला दैट एसी स्टूडेंट हु रोट दैट लेटर, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन हिस्ट्री अ प्री रोहित वेमुला फेज एंड अ पोस्ट रोहित वेमुला फेज, दिस इज वॉट यू आर डूइंग। IIT IIM इन इंस्टीट्यूशन के साथ आपने क्या किया, मैं अभी फिलहाल में शांत रहे। Well, this is all impacting the budget. This is all impacting the budget. IIT IIMs, मैं अभी एक किताब पढ़ रही थी recently. It is the making of the institution of JNU. आपके कालखंड में आएगा the dismantling of institutions. किस और 60% SC ST के पद आज तक IIMs वगैरह में खुले हैं। National Education Policy कब लाए थे आप? बताइए कब लाए थे? वो भी लॉकडाउन में लाए थे जब सारे के सारे संस्थान आपके बंद थे। हम 5 सितारा होटल में थे उस वक्त और सारे विश्वविद्यालय बंद थे, तब आप एजुकेशन पॉलिसी लाए, क्यों लाए? चर्चा नहीं करी आपने किसी से? डीजल पेट्रोल के भाव कहाँ आसमान छू रहे, महंगाई की आप बात करते हैं, ईंधन महंगा, खाना महंगा, ट्रैवल महंगा, पढ़ाई महंगी, आवास बनाना महंगा, आम जीवन महंगा, रोजगार बंद, रोजगार आपका बंद, महंगाई बुलंद। आत्मनिर्भर भारत पे आपने क्या किया? पैकेज दिया और वो कृषि जो आत्मनिर्भर बना रही थी उसको 3 काले कानून लाकर उसकी रीढ़ की हड्डी पे मारा आपने। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, किसान की लागत पर, इनपुट कॉस्ट पर खर्चा निकाल कर हिसाब कर कर 50% पर मुनाफा देंगे। और फिर क्या, तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, ये पहेली पूजाते रहो। MSP थी, MSP है, MSP रहेगी, पूजो तो जानो, गारंटी प्राइस लिख दिया, MSP आपने लिखी नहीं। फसल बीमा योजना की आप बात करते हैं, 10,000 करोड़ से ज्यादा प्राइवेट कंपनियों को आपने किया। पीएम किसान की आप बात करते हैं, किसान के बाद बात करें थे वैभूति, किसान की वैभूति का काम अगर किसी ने किया है उसी पीएम किसान के अंदर आपने 10,000 करोड़ काट दिए। किसान की लाचारी, 35 किसान रोजाना मरते हैं, आप कुछ नहीं कहते। केस कृषि पे देख रही थी तो मैंने पढ़ा पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर केसर कहीं होती है तो साहब जम्मू कश्मीर में होती है। जम्मू कश्मीर में केसरिया साफों की मीटिंग हुई थी, कैसे हुई थी वो प्रधानमंत्री के संसद में अक्षुर जल के संकल्पों का राज है, ये तो बाद में खुलेगा कि कैसे हुई थी। किसान से वार्ता के बाद में 11 बार वार्ता करी और ये कहा कि हम वार्ता के लिए खुले हैं, लेकिन वाराणसी के अंदर पीएम जाके कहते हैं कि 3 कानून वापस नहीं ले जाएंगे, तो फिर वार्ता क्यों कर रहे थे, ढकोसला क्यों कर रहे थे आप? फिर कहा, अब कह रहे हैं हम एक फोन दूर हैं, तो क्या हुआ आपका फोन लग नहीं रहा? लगेगा भी कैसे, MTNL और BSNL को आपने पीट दिया, 4G और रिलायंस के फोन्स पे लगेगा। ऐसे पूंजीपति मित्रों के मुनाफे से डायल किया हुआ फोन किसान कभी नहीं उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा। पूंजीवादी व्यवस्था की गोद में है मोदी सरकार, डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन इज द न्यू एजेंडा। 2000
यूनियन बजट 21-22 प्राइवेटाइजेशन इज द मेन थीम. आपने क्या किया, पीयूष गोयल जी का लेटेस्ट बयान है परसों का, उनको कहना पड़ा कि रेलवे प्राइवेटाइज नहीं हो रहा है, और गुस्सा आया तो क्या बोला, लेकिन सरकार रोड भी तो सरकार बनाती है, उस पर क्यों फिर आप नहीं पूछते कि सिर्फ सरकारी वाहन क्यों नहीं चलते. देखिए आपकी झुंझुलाहट. वैक्सीन डिप्लोमेसी, रघु शर्मा जी मंत्री जो बता रहे थे कि किस तरीके का क्रंच वैक्सीन में हो रहा है, आप सच्चाई को सुनना नहीं चाहते थे, आप बाहर चले गए और अंगुलियों पे नचाते हैं आप आईडी ईडी सीबीआई को. आपने पुलिस का क्या किया, उत्पीड़न का औजार बनाया. 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट उस दिशा रवि को आपने अरेस्ट करवाया, ये आप डिसेंट को बिलीव नहीं करना चाहते हैं. आपके खिलाफ अगर कोई बोलता है तपसी पन्नू तो आईटी रेड, कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग. किसान, मैं आपको आतंकवादी और खालिस्तानी नजर आती हूँ, मैं आपको आंदोलनजीवी नजर आती हूँ. शांत रहें, विरोध के लिए, विरोध के लिए, विरोध के लिए सहनशीलता उत्पन्न करिए मान्यवर. लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे. वर्ल्ड एक्सप्रेस, वर्ल्ड वर्ल्ड प्रेस, सर ये बैठे बैठे बोल रहे हैं, आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं मेरे को. आप अपनी बात जारी रखें, उनकी तरफ मत देखिए. और दूसरी तरफ आप हमारी स्वतंत्रता और निजता का को कैद में डाल रहे हैं. विजय माल्या बीजेपी और जेडीएस के समर्थन से राज्यसभा मेंबर बने थे 2010 में, भाग गए. आप एनपीएस कर रहे हैं, एनपीएस कर रहे हैं, लेकिन किसान के लिए कर्ज माफी पे स्पष्ट मना कर देते हैं कि कोई कर्ज माफी नहीं होगी. बस दो मिनट, दाल और प्याज के अंदर क्या हुआ, आप जमाबंदी का लेके आए, प्याज के ऊपर आपको क्या करना पड़ा, प्रधानमंत्री आवास आप दे नहीं पा रहे. दूसरी बात, नमामि गंगे, आपका जब टाइम आए तो आप करें बात. नमामि गंगे सर, नमामि गंगे के गंगा मैया ने चीख चीख कर कहा है कोई मेरा बेटा आएगा गंगा को साफ करेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई. आप जिस स्पीड से चल रहे हैं 100 या 150 साल तक आप गंगा को साफ नहीं कर पाएंगे. गुलाबी क्रांति का क्या हो रहा है मुझे पता नहीं. 2016 में आइए ग्राम लेते हैं, आदर्श ग्राम. आप डिजिटल इंडिया आपका फेल हो गया, पता करिए उन एमपीओ ने जिन्होंने ग्राम लिया वो इंटरनेट भी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है. आधार कार्ड, आधार कार्ड के लिए सर ऐसे नहीं चलेगा. आधार कार्ड बोलने का आपको अच्छा बुराई का थोड़ी फैसला करना है. दो मिनट. आधार कार्ड जिसके अच्छा लिए से नहीं चलेगा. आधार कार्ड जिसके लिए आपके एक वक्त कम कर दीजिए, मैं तो उसको पूरा टाइम दे देता. आधार कार्ड जिसके लिए कहा कि कांग्रेस ऐसे लेकर आई है जैसे कोई जड़ी बूटी है, इसका हम विरोध करते हैं. जिसे पहले बताते थे निराधार, अब उसी को बताते हैं जीवन का आधार, और उसके अंदर हो रहा है निजता का हनन. पहले कहते थे आप में आग दिखानी पड़ेगी, और चीन ने आज आपकी सरजमी पे कब्जा कर रखा है, वो 56 इंच का सीने में अंदर, अब आप कौन सी आँख में चोली कर रहे हैं. और सुनिए, खूब पढ़ने के बाद भी अगर आप बेरोजगार हैं, खूब पढ़ने के बाद भी अगर बेरोजगार हैं, तो शुभकामनाएं दें मोदी सरकार को, ये उनका चमत्कार है. प्लीज श्री ज्ञानचंद पारक, जुडिशरी का क्या हाल हुआ है आप देखिए, अंकित नहीं होगा. डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया का क्या हाल हुआ है, अंकित नहीं होगा. भाषणों में कोई खरीदने को तैयार है, कोई बिकने को बेताब है, किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग का कल्चर आपने यहाँ पता किया. इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन.